डियर फ्रेंड्स, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के सीरीज में। और आज का ये जो सेशन है इसमें हम इडियम्स के बारे में जानेंगे। इडियम्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, खुसूसन इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपको काफ़ी काम आते हैं, इंग्लिश बोलने में भी और उसको पढ़ने में और उसको अंडरस्टैंड करने में। और ये एक्सप्रेशन आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, खुसूसन जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि idioms are expressions whose meanings are different from the words that make them। यानी ये जिस तरह हम वैसे नॉर्मल सेंटेंस में जो वर्ड मीनिंग देख रहे होते हैं तो ये idiom इस तरह की मीनिंग बिल्कुल नहीं दे रहे होते, इनमें एक हिडन मीनिंग होती है या एक इंटेलिजेंस बेस्ड मीनिंग होती है और वो आपने यानी कंसेप्चुलाइज करनी होती है रादर देन कि आप जो है वो नॉर्मल जिस तरह से यानी सेंटेंस मीनिंग होती है वो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं देखना होता। तो कॉन्टेक्सुअलाइज फॉर्म होता है, वहाँ पे आपने इसकी मीनिंग जो अंडरस्टैंड करनी होती है। एक इडियम जो होता है उसमें एक मेन वर्ब वर्ड होता है, उस वर्ड को आपने जब प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये इडियम जो है किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। तो वर्ड्स में आपको एक इंडिकेशन या एक क्लू या एक किस्म की गेसिंग मिल रही होती है। मिसाल के तौर पे idiom एक है जिसमें वर्ड हेड इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये idiom जो है इसमें किसी चीज की जो बात हो रही है वो हेड से रिलेटेड है, यानी समथिंग रिलेटेड टू हेड। तो ये इस तरह से आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं या आप उसे जो है वो रेशनलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द हिडन मीनिंग इनसाइड द idiom। तो इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग एन idiom रिक्वायर्स सम अदर नॉलेज देन नोइंग द वर्ड्स यूज्ड, इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। idioms normally cannot be modified on the words with them changed। आप यानी idioms में अपने वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, जो idioms जैसे बने हुए होते हैं वो वही हम आपने हमेशा यूज करने होते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होते कि आप जब उन्हें बोलेंगे तो उसमें आप अपने हिसाब से कुछ उसमें चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं या synonyms यूज करते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। idioms में बिल्कुल भी नहीं होता, जिसे बने होते हैं आपने उनको एज इट इज यूज करना होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आई लॉस्ट माई हेड कम्प्लीटली। अब यहाँ पे हेड जो है दैट इज दी मेजर वर्ड इन दिस idiom, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है कि आई लॉस्ट माई हेड कम्प्लीटली ये नहीं है कि मतलब उसका जो सर है वो चला गया कहीं पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि आई गॉट वेरी एंग्री, यानी मैं काफी गुस्से में आया, ये मैं काफी गुस्सा हुआ। तो इसकी लिटरल मीनिंग जो होती है वो ये है कि यानी वो तो इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग को तो हम देखेंगे नहीं और idiom में जो है वो हम उससे परसीव कर रहे होते हैं जो उसकी हिडन मीनिंग होती है उसको। इसी तरह से idioms जो हैं क्लासरूम में खासतौर पे जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं या जो जो लर्नर्स और टीचर्स हैं उनमें भी ये काफ़ी उनको हेल्प कर सकता है। आप जो है वो ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं टीचर्स एज ए कॉन्टेक्चुअलाइज idioms, ताकि वो उस पर जो है वो थोड़ा गौर फिक्र करें और उसकी मीनिंग्स जो है उनको क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छा आइडिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी हो सकती है बिटवीन लर्नर्स एंड द टीचर्स। और मल्टीलिंगुअल क्लासेस जो हैं उनमें ये इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं सो देट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लें और इंजॉय करें लर्निंग को। ये एक लिस्ट है idioms की जिसमें हम एक idiom देखेंगे साथ में इसकी मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद फिर हम कॉमन idioms की एक और लिस्ट देखेंगे जिसमें हम idiom और सिर्फ उसकी मीनिंग देखेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड टेस्ट। सो एसिड टेस्ट का मतलब है कि यानी एसिड टेस्ट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, कि जो चीज़ है वो कितनी जो है वो असरअंदाज हो सकती है या वो असर रखने वाली है। सो आई प्रैक्टिस आर्ट एट द डांस सेशंस बट द एसिड टेस्ट विल कम व्हेन द मास्टर यानी परफॉर्म्स सोलो परफॉर्मेंसेस। तो ये यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड टेस्ट जो है इसका idiomatic मीनिंग और इसको आप किस तरह से एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कट द ग्राउंड अंडर फीट, तो ये यानी किसी की जड़ें काटना होता है या जिसकी जड़ें खोखला, किसी की जड़ें खोखला करनी होती हैं तो उस सेंस में यूज किया जाता है। और इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे व्हेन टीम पाकिस्तान हिट मोर देन 350 रन्स इन द ODI दे कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर द अपोनेंट्स फीट। तो ये आप इस तरह से idiom यूज करते हैं सेंटेंसेस में। इसी तरह से चेज योर टेल, यानी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट एक्चुअली अचीविंग टू लिटिल,
यानी आप कोशिश तो काफी ज्यादा करते हैं लेकिन आप हासिल बिल्कुल ही थोड़ा करते हैं, वो ना होने के बराबर होता है। सो इसको कहा जाता है चेज योर टेल, कि ही इज बिन चेजिंग हिज टेल ऑल वी कलेक्टिंग डेटा बट द रिपोर्ट इज स्टिल नॉट रेडी। और इसी तरह से होल बैग ऑफ ट्रिक्स यानी मीन्स ट्राइंग ऑल द क्लेवर मीन्स टू अचीव समथिंग समथिंग, यानी हर आप मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई चीज़ हासिल करें, और आपकी जितनी भी महारतें हैं चालाकियां हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं किसी एक खास चीज़ को हासिल करने के लिए। सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर अप्लाइंग द होल बैग ऑफ ट्रिक्स। इसी तरह से डिलीवर द गुड्स मीन्स डू वॉट इज एक्सपेक्टेड और प्रोमिस्ड। सो आई हैव गिवन माई कार टू अ न्यू मैकेनिक फॉर रिपेयर, होप ही डिलीवर्स द गुड्स। सो ये इस तरह से आप इनको यूज करते हैं इडियम्स को। तो इसके बाद ये लिस्ट है जिसमें हम इडियम्स देखेंगे और इस साथ में इनकी मीनिंग, और ये कॉमन इडियम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सो इनको हम देख लेते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सो ये बड़ा एक कॉमन इडियम है कि व्हाट यू हैव इज वर्थ देन व्हाट यू माइट हैव लेटर। जो अभी आपके पास है वो ज्यादा कीमती है बजाय कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। तो फिर समटाइम्स ये होता है कि जो आपके हाथ में होता है वो भी आपसे चला जाता है। सो इसी तरह से पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। आप अगर इसको कहते हैं कि अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, आई नीड अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, मीन्स के लेट मी नो के व्हाट आर यू थिंकिंग। सो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, यानी मनी यू सेव टुडे यू कैन स्पेंड लेटर। सो इसी तरह से अ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। इसी तरह से पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी बेटर टू शो देन टेल, कि आप दिखाएं बजाय कि आप बोलें। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी एक बड़ी मशहूर यानी एक इडियम है कि बिलीव व्हाट पीपल डू एंड नॉट व्हाट दे से। इसको प्रोवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है समटाइम्स। एड इंसल्ट टू इंजरी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। इसी तरह से बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी टू बी मिस्टेकन टू बी कुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस। और इसी तरह से बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, सो एनी पीपल हु आर अलाइक आर ऑफ्टन फ्रेंड्स, यूजली यूज नेगेटिवली। सो इसी तरह से बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी टेक ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन कैनॉट फिनिश। इसी तरह से ब्रेक द आइस, ये भी एक कॉमन है, यानी मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। उसी तरह से बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी जस्ट बेयरली। और इसी तरह से कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कांट बी कंपेयर्ड बिकॉज दे यानी दोज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। सो इसी तरह से कास्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी वेरी एक्सपेंसिव। इसी तरह से डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान। सो इसी तरह से डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, यानी ट्रीट पीपल फेयरली, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल। या जिस तरह से कहा जाता है कि यूज अदर्स एज यू वुड लाइक टू देम यूज यू। सो इस तरह से इसकी एक प्रोवर्ब भी है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। सो इसी तरह से डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्स, बिफोर दे हैच यानी डोंट काउंट समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट इज हैपेंड, यानी जब तक चीज़ कोई हो नहीं जाती तब तक आप उससे जो है वो नतीजा उकस करके ना बैठे। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कांट बी फिक्स्ड। इसी तरह से डोंट गिव अप योर डे जॉब, यानी यू आर नॉट वेरी गुड एट दिस। सो इसी तरह से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इज टू रिस्की। इसी तरह से एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स। ये हम किसी को जो है वो यानी एक किस्म की जब आप हाथ देते हैं या उसे बताते हैं कि डोंट वरी हार्ड टाइम विल कम ओवर, और आपका जो अच्छा टाइम है वो शुरू होगा। सो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी गेट ट्रीटेड द वे यू हैव बीन ट्रीटिंग अदर्स। नेगेटिव खुसूसन ये कहा जाता है कि जैसे तुमने लोगों के साथ बर्ताव किया अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इग्नोर समवन। और इसी तरह से गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, डू समथिंग पॉइंटलेस। तो ये कॉमन इडियम्स हैं जो मैंने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। सो गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यानी बी पेशेंट। और इसी तरह से ही इज बिगर फिश टू फ्राई, ही इज बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन व्हाट वी आर
talking about now. Isi tarah se, he is a chip of the old block. यानी the son is like the father. जिस तरह कहा जाता है कि यानी जैसा बाप वैसा बेटा. So ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. So hit the nail on the head. यानी get something exactly right. Ignorance is bliss. So you are better off not knowing. ये आमतौर पे कहा जाता है कि नॉलेज इज वरी इन इग्नोरेंस इज ब्लिस. तो समटाइम्स ये होता है कि आपको जब किसी चीज़ के बारे में पता होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा परेशानी का सबब होती है, और जिन लोगों को पता नहीं होता वो आमतौर पे जो है उससे ज़्यादा परेशान नहीं होते. सो इसीलिए समटाइम्स ये कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस. इट इज़न्ट ओवर टिल द फेट लेडी सिंग्स. यानी दिस इज़न्ट ओवर येट. इट टेक्स वन टू नो वन. And you are just as bad as I am. It's a piece of cake and it's easy. It's raining cats and dogs and it's raining hard. Kill two birds with one stone, meaning it had two things done with a single action. Isko hum sometimes proverb bhi istemal karte hain, kyunki kafi zyada idioms jo hain, they are also used as proverbs as well. Isi tarah se let the cat out of the bag. Meaning give away a secret. और इसी तरह से live and learn. यानी I made a mistake. इसी तरह से look before you leap and take only calculated risks on thin ice, on probation. If you make another mistake, there will be trouble. So इस तरह से once in a blue moon, यानी rarely या seldomly या hardly, play devil's advocate. Need to argue with argue the opposite just for the sake of argument. इस तरह हमारे सियासतदान आप आमतौर पे टॉक शोज में देख रहे होते हैं. They always play devil's advocate. So put something on ice, and you put a project on hold. और इसी तरह से rain on someone's parade to spoil something. और इसी तरह से saving for a rainy day, and saving money for later. और इसी तरह से slow and steady wins the race. Reliability is more important. Then speech, or इसी तरह से spill the beans, and you give away a secret, or इसी तरह से take a rain check, and postpone a plan, and take it with a grain of salt. And you don't take it too seriously. The ball is in your court; it's your decision. The best thing since sliced bread, a really good invention. इसी तरह से the devil is in the details. And it looks good from a distance, but when you look closer, there are problems. इसी तरह से the early bird gets the worm. The first people who arrive will get the result in a way. So the elephant in the room, the big issue, the problem people are avoiding. So the whole nine yards, everything are all the way. Or there are other fish in the sea, and it's okay to miss the opportunity. तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. सो डोंट वरी एंड बी ऑप्टिमिस्टिक. सो देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस. यानी ही सीम्स क्रेजी बट एक्चुअली ही इज क्लेवर. सो देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. यानी नथिंग इज एंटायरली फ्री. सो थ्रो कॉशन टू द विंड. यानी टेक अ रिस्क. यू कांट हियर योर केक एंड ईट इट टू. यानी यू कांट हैव एवरीथिंग. You can't judge a book by its cover. This person or thing may look bad, but it's good inside. तो ये था हमारा सेशन idioms के बारे में, जिसमें आपने common idioms के बारे में जाना. So और साथ में मैंने आपको idioms की understanding और उसकी जो meaning understanding है उसको भी highlight किया. I hope कि आपको ये काफी interesting और informative लगा होगा. तो आज का ये हमारा session यहीं पे ख़त्म हो रहा है. तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त. सो टिल द नेक्स्ट टाइम हैव अ गुड टाइम. बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया हुआ, और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स या दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें. सो थैंक यू फॉर द नाउ. सो टिल द नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय.